सासाराम के तकिया में प्रसिद्ध प्राचीन तिलेश्वर महादेव मंदिर में सावन के महीने में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ का शिवलिंग प्रत्येक वर्ष तिल तिल बढ़ता है। तिलेश्वर धाम शिव मंदिर में जिस स्थल पर शिवलिंग है, कभी यहाँ खेती होती थी। खेत की जुताई करते वक्त हल में लगा लोहे का फार टूट गया। किसान ने देखा कि यहाँ बड़ा पत्थर है। जब उसकी खुदाई की गई तो दो दिनों के अथक परिश्रम के बाद भी पत्थर नहीं निकला। रात में किसान को सपना आया, ये पत्थर जीवित शिवलिंग है और यह हर साल तिल के बराबर बढ़ेगा। आज से 10-15 फुट पहले की बात है कि एक दिन उन लोग अचानक अपना हल हाँक रहे थे, उसमें हल फंस गया और हल टूट गया। तो वो लोग क्या किया कि भाई देखा कि पत्थर है इसमें, तो कबारने का स्टार्ट कर दिया। तो एक दिन वो लोग दिन भर खानते रहा, मैंने अंत नहीं चला। दूसरका दिन भी दिन भर खानते रहा, पता नहीं चला उसका। तो लोग रात में स्वप्न वगैरह देखे, तो फिर यहाँ पुरोहित वोहित को बुलाकर पूजा पाठ लोग करवाया। इसके बाद में पुरोहित बोले कि ये जिंदा शिवलिंग है, साक्षात शिव जी है और इनका साल में तिल के बराबर मैंने बढ़ोतरी होते रहेगा। बाबा के दरबार में भक्तकाल सर्प दोष की शांति पूजन के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रसाद के रूप में यहाँ की खीर खाने से निसंतान दंपति को औलाद की प्राप्ति होती है। यहाँ हर साल सावन के मेले में श्रावणी मेला लगता है, जहाँ पूजा अर्चना करने के लिए दूर दूर से शिव भक्त आते हैं। इसे जागृत स्थल भी माना जाता है। और इस मंदिर में जब जग के दरमियान पूर्णाहुति के रोज खीर वगैरह बनता है, और उस खीर को जो माताएं बहने हैं जिसको मतलब संतान वंतान नहीं है, और यहाँ उस दिन वो लोग आती है तो यहाँ पंडित जी लोग खीर उड़ देते हैं। उन खीर को ग्रहण करने से मैंने बहुत सारी माताएं बहने का मतलब गोद भरा है यहाँ। और यहाँ हर साल के भांति मैंने जग हो दिया रहा है 36 साल से 37 साल से। तिलेश्वर धाम शिव मंदिर में प्रत्येक वर्ष भगवान शंकर से जुड़े यज्ञ का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से साधु संत पहुंचते हैं। तिलेश्वर धाम परिसर में सिर्फ शिवलिंग ही नहीं बल्कि अन्य देवी देवताओं के मंदिरों की श्रृंखला है। इस मंदिर के बारे में ऐसी किंवदंति है कि भस्मासुर से खुद को बचाव करने के लिए भगवान शंकर गौड़ेला पहाड़ पर पहुंचे थे। वहां से तकिया में ही छुपे हुए थे और यहीं से बाबा भोलेनाथ कैमूर पहाड़ी की गुफा में चले गए थे, जो आज गुप्ता धाम के नाम से मशहूर है। रोहतास से चंदन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अंत में मुख्य